Assalamualaikum एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग सब आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे अलहमद्लह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो जितनी भी मैं चाय पाकिस्तान से लेके आई थी अब वो सब फिनिश हो गई थी बस ये एक बॉक्स रह गया था ये बॉक्स भी मुझे मेरी बहन ने दिया था जब वो पाकिस्तान जा रही थी उसके जाने के पहले तो मैंने सोचा बस अब मैं ये यूज़ कर लेती हूँ और जब वो वापस आएगी तो फिर मैं उससे बहुत सारी मंगवा लूँगी अच्छा यहाँ पर विवाया कंपनी ने मुझे बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट सेंड किया है और मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि जब मैंने इसको देखा था ना अच्छा पहले मैं देख चुकी थी और मुझे बहुत अच्छे लगे थे लेकिन जब ये मुझे रिसीव हुए और मैंने इनकी क्वालिटी देखी तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना क्योंकि वो होता है ना कभी आपको कोई चीज़ मिलती है आपको पता है कि बहुत लंबे अरसे तक चलेगी आपके काम में आएगी और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो बहुत ही अच्छा लगता है स्पेशली कहते हैं ना कि वो चीज़ लो पैसा इन्वेस्ट कर लो लेकिन अच्छी चीज़ ले लो ताकि वो लंबा चल जाए तो यहाँ पर ये फैब्रिक मेड है तो इसकी सबसे अच्छी बात यही लगी मुझे कि ये शूज़ होते हैं ना जैसे ये फैब्रिक मेड है तो इसमें बहुत जल्दी गंदगी लग जाएगी स्टेज लग सकते हैं हम बाहर जाएंगे तो ये आराम से मशीन में वॉश हो सकते हैं मतलब ये मशीन वॉशेबल है तो ये आई थिंक इसकी बेस्ट पार्ट है अच्छा और सबसे मज़े की बात यह है कि इन शूज़ के साथ ना एक्स्ट्रा ये बोज आई हैं और ये ना क्लिपिन हो जाती हैं शूज़ में इस तरह मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ ये आप लोग टाइट भी कर सकते हैं इसको और ज़्यादा प्रेस करके तो ये जो है ना ये आप इनके जो भी आप लोग शूज़ लेंगे उस हिसाब से आप लोग किसी भी शूज़ में लगा सकते हैं और बगैर लगाए भी पहन सकते हैं मतलब मुझे तो दोनों स्टाइल्स ही अच्छे लगे विद वो भी अच्छा लगा ये देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं तो ये अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा कोई यू you नो know, फॉर्मल जगह पे जाना है तो आप ये पहन सकते हैं कैजुअल पहनना है शलवार कमीज़ के नीचे शलवार कमीज़ के नीचे तो खैर हम लोग ट्रेडिशनल वे में ये दोनों ही चला सकते हैं दोनों स्टाइल्स तो ये बहुत अच्छे लगे मुझे अच्छा एक और जो पेयर मुझे मिला है वो ब्लैक कलर का मिला है इसके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं और डिस्काउंट कोड भी मैं इसका स्क्रीन पर लिख देती हूँ हुमा व्लॉग्स तो आप लोग ये डिस्काउंट कोड डालें आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मिल जाएगी ये है ब्लैक कलर के और आई थिंक ये मेरे फेवरेट है वो जो ऑफ वाइट है वो भी बहुत अच्छे हैं लेकिन ये इतने प्यारे लग रहे थे जब मैंने पहने थे ना इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आप लोगों को पहन के प्रॉपर पूरे आउटफिट के साथ भी दिखाऊंगी ये तो ये बहुत ही अच्छे लगे और मुझे किटन हील्स जो होती हैं वो हमेशा से अच्छी लगती हैं किटन हील के साथ क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं स्पेशली बच्चों के साथ अब माशाल्लाह से बच्चे तो बड़े हो गए हैं गोद में लेने वाले बच्चे तो रहे नहीं हैं लेकिन फिर भी ना हमें वॉक बहुत, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है स्पेशली यहाँ पर तो मुझे ये बहुत ईजी लगते हैं किटन हील्स जो होती हैं जब मैं शादी से पहले ना बहुत लंबी लंबी हील्स पहना करती थी समटाइम्स लेकिन अब बस अब नहीं पहन सकती मतलब अब तो मुझसे चला ही नहीं जाता ना लंबी हील्स में तो ये देखें ये बो मैं दूसरे शूज़ में भी लगा ली हैं थोड़े से ऑफ लग रहे हैं लेकिन जो है ना अगर तो आपके पास कुछ ऐसे ही ब्लैक कलर की बो हो या तो फिर डिफरेंट कलर की बो हो तो आप लोग मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो डेफिनेटली ये स्टाइलिश भी हैं सस्टेनेबल भी हैं और मज़े की बात यह है जो मेरी कहते हैं ना कि बेस्ट बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है वो है ये मशीन में आराम से वॉश हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा जब मशीन वॉश है तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी रिटेन ही रहेगी तो यहाँ पर मैं आ गई थी सैर के स्कूल आज था स्पोर्ट्स डे और आप लोग देख सकते हैं सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया it is, it is

अच्छा आप सबको पता होगा कि आजकल जो यहाँ यूके का वेदर है वो एक्सट्रीम पर है यूके की हिस्ट्री में कभी भी इतना ज़्यादा हॉट वेदर नहीं हुआ है जो आजकल चल रहा है और हम लोग कोप अप कर रहे हैं अलहमदिल्ला मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैंने कूलर्स पहले लेके रख लिए थे फोर्स डे के बाद अब मुझे जाना था अमीरिया की यूनिवर्सिटी में और आज ना अमीलिया की ग्रेजुएशन थी माशाल्लाह से अब अमीलिया ने यूनिवर्सिटी अपनी फिनिश कर ली है और वो सितंबर से फुल टाइम स्कूल स्टार्ट कर देगी इतने प्यारे लग रहे थे बच्चे सारे ग्रेजुएशन हेट्स पहने हुए ग्रेजुएशन गाउन पहने हुए और मैंने अभी आप लोग के साथ क्लिप शेयर किया है वो वो अमीलिया का है जिसमें मैडम ने बाल भी खोल लिए थे हालाँकि सुबह मैंने उसको बाल बांध के अच्छे से हेयर स्टाइल करवा के भेजा था उसने बाल खोल लिए थे तो माशाला से बहुत प्यारी लग रही थी मैं जो ना क्या करूँगी एंड में उसकी ग्रेजुएशन पिक्चर जो है ना वो भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ तो बहुत बहुत प्यारी लग रही थी और बच्चे कब बड़े हो जाते हैं किस तरह मतलब पता ही नहीं चलता ना मुझे अभी तक याद है इनफैक्ट हुआ क्या था कि जब मैं जो ना अभी ग्रेजुएशन पार्टी में गई थी अमीलिया के तो मुझे एक मदर मिली थी वो मुझे कह रही थी कि वो मुझे तब से जानती है मतलब उनको शी स्टिल रिमेंबर कि जब मैं सैरा की ग्रेजुएशन में आई थी यहाँ पर सेम नर्सरी में थी सैरा भी तो बस टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता बस यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अमीला को लेके और सैरा को लेके घर मैंने सोचा बस जल्दी से बच्चों के लिए कुछ ठंडा बना दूँ तो उन लोग को ना आज शेक्स वगैरह कुछ भी नहीं लेने थे काफ़ी गर्मी थी तो फिर मैंने सोचा उन लोग के लिए ना मैं सिंपल सा डायलिटेड जूस बना लूंगी वो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ पर जो है ना मैं फ़िल कर रही थी आ, मेरे हस्बैंड जो है ना कुछ बॉम्बे मिक्स ले आए थे मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन मेरे हस्बैंड लेके आए थे एक दो दिन पहले और वो बस रखे हुए थे कैबिनेट में मैं सोचा वो भी निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि माशाल्लाह से मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया था आजकल मेरा दिन कहाँ जा रहा है रात कहाँ जा रही है कुछ भी पता नहीं लग रहा बहुत बिजी दिन गुजर रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक ब्लेसिंग होती है बिज़ी होना तो यहाँ पर बस मैं रिफ़िल कर रही थी और बस उसके बाद जो है ना मैंने बच्चों को जूस बना कर दे दिए थे अच्छा ये रॉबिनसन के जो मैं यूज़ करती हूँ ना डायल्यूटेड इसमें जो है मैं डबल कॉन्सनट्रेटेड लेती हूँ इसमें क्या होता है बस थोड़ा सा डालना होता है और बस पानी मिक्स करना है तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ मैंने सोचा कि पहले आ, मैं रहने देती हूँ लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मुझे एक कमेंट आया था आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप लोग यकीन करें अभी तक मैं समझ नहीं पा रही कि कमेंट या तो फ़नी अंदाज में है या तो नेगेटिव वे में है पॉजिटिव वे में है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जो सबकी लाइफ होती है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग ही जिए तो ज़्यादा बेहतर है अगर एक माँ होती है वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से पालती है ठीक है ना तो मतलब किसी और की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आती क्योंकि माँ माँ होती है माँ को अपने बच्चों का अच्छे से पता होता है इसी तरह से हर इंसान को अपनी लाइफ का बहुत अच्छे से पता होता है और उसको जो समझ में आता है वो वही करता है और मैं यही कहूँगी अगर तो आपको अपनी लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता तो उसको अवॉइड करें और अगर कुछ समझ में आता है तो वही करें जो दिल करता है आप वो करें मैंने पहले भी आप लोग के साथ ये शेयर किया हुआ है अच्छा यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैंने बंद गोभी ली है थोड़ी सी प्याज है उसको मैं अच्छे तरीके से बॉईल कर लूँगी मिल्क में और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा चिकन पाउडर और इसमें कोई नमक काली मिर्च वगैरह अभी कुछ भी नहीं डालेगा ओनली चिकन पाउडर थोड़ा सा और इसको मैं अच्छी तरीके से बॉईल कर लूँगी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है गोभी वो अच्छी तरीके से बिल्कुल ही मुशी हो गई है उसके बाद मैं इसको ब्लेंडर में डालूंगी अच्छा सारे मिल्क को नहीं डालना मैंने सारे कॉलीफ्लावर जो होता है ना उसको पहले डाल दिया है और जो मिल्क है ना वो मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के ब्लेंड किया क्योंकि हमें जो ना थिक वाइट सॉस बनानी है बेसिकली एक कॉलीफ्लावर वाइट चीज़ सॉस है और हमने इसमें चेडर चीज़ डालनी है बहुत ज़्यादा सीम क्योंकि चीज़ी सॉस ना बहुत मज़े की लगती है अच्छा ये मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करके रख दिया था अब मैं यहाँ पर टॉपिंग बना रही हूँ और ये टॉपिंग इतनी मज़े की क्रंची सी बनती है इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ लिए हैं फ़ाइन कट गार्लिक लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं सबसे पहले तो मैं गार्लिक को और ग्रीन चिलीज़ है ना उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी उसके ऊपर मैं डाल दूंगी ब्रेड क्रम्स और फिर इसमें मैंने डाले हैं काली मिर्ची एंड कश्मीरी लाल मिर्च बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल ब्राउन सा कर लेना है और ये टॉपिंग इतने मज़े की बनती है आप लोग यकीन करें ये टॉपिंग जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी ना मुझे बहुत ही मज़ेदार लगी थी अच्छा ये जो रेसिपी है ये मैंने यूट्यूब में देखी थी मुझे सैरा ने दिखाई थी एक चैनल है वहाँ से तो मैंने सोचा कि जो है ना मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी और जब हमने इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी ना फर्स्ट टाइम में ही बहुत मज़े की बनी थी मतलब ये जो हम लोग व्हाइट सॉस बनाते हैं मैदे के साथ इस बेटे की अगर हम लोग कॉलीफ्लावर के साथ बना लें थोड़ा हेल्दी भी ऑप्शन है ये यह। अच्छा यहाँ पर मैंने जो है पास्ता बॉईल कर दिया था उसके अंदर मैंने जो सॉस बनाई थी वो डाल दी है इसमें काली मिर्चें डाल दी हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है बस हमने क्या करना है इसको इसी तरह से सर्व करना है और ऊपर हमने जो टॉपिंग बनाई है वो मिक्स नहीं करनी नहीं, वो हमने ऊपर से डालनी है तो ये कोई इतने मजे का खाना बन गया था माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को पास्ता बिल्कुल भी नहीं पसंद लेकिन मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने यही आज डिनर में खाया आई होप आप लोग अच्छा लगा हो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज आई नो लाइक करना बहुत लोग भूल भी जाते हैं ये बहुत जैसे नॉर्मल सी बात है मैं भी ऐसी ही करती हूँ कभी मुझे बहुत अच्छी भी लगती है कोई वीडियो तो मैं लाइक करना भूल जाती हूँ तो प्लीज डू लाइक माई वीडियोज़ एज वेल इंशाला मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा अल्लाह हाफ़िज